Now, in next exercise, we have to given a circle graph. Okay? In this exercise, we represent a data on a circle graph. Circle graph पे data represent करोगे. Circle graph means कौन सा graph होता है जो circle में graph होएगा? That is circle graph. ठीक है? First, our exercise 13.2. A's part is the given data show the number of students who scored full marks in mathematics, science and English. ठीक है? हमें data दिया है बच्चों के marks का math, science, English में. ठीक है? And find the fractions. इनकी fractions find out करनी है. And fill the information in the given circle graph. और इस information को किसमें fill करना है? Circle graph में. Now you have to given this data. ठीक है? Subject, mathematics, number of students 9, science, number of students जिन्होंने full marks आए हैं. Maths में कितने बच्चों के full marks आए हैं? 9 बच्चों के. Science में 18. In English there are 9 students who got full marks. ठीक है? Now here you have to write the fraction. यहाँ पे आपने इसकी fraction write करनी है, ठीक है? Now number of students here 9, 18, 9. Firstly write down fraction. Fraction देखो कैसे write करेंगे. Firstly आपने क्या करना है? Which number you have to given here? 9 upon इनका total करना है. सही. नीचे denominator में कौन सा number आएगा? इन सब का total. 9 plus 9 18, 18 plus 18 36. ठीक है? ये आ 9 upon 36. होगी फ्रैक्शन राइट. अभी इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं. कैंसिल आउट ऑन अ सेम टेबल. विच टेबल? ऑन दे गोज ऑन अ टेबल ऑफ 9 9 1 9 9 4 36. आंसर इज 1 upon 4. वी गेट अ फ्रैक्शन 1 upon 4. ठीक है? राइट अ फ्रैक्शन फॉर दिस 18 18 upon 36. Cut down the table of 18. 18 1 18, 18 2 36. We get a fraction 1 upon 2. ठीक है? Fraction is 1 upon 2. Then write the fraction of this 9 9 upon 36. जो आपके पास इधर नंबर है वो ऊपर राइट करना है. नीचे क्या आएगा? टोटल. सभी में ऐसी की. ठीक है? 9 upon 36. 9 1 9 9 4 36. 1 upon 4. ठीक है? Now अभी चेक करो. आपने इस इन पार्ट्स को इस सर्कल में आपने रिप्रेजेंट करना है. इस सर्कल में. ठीक है? देखो, फर्स्टली वी विल शो दिस हाफ पार्ट. हाफ पार्ट पता ही है ना सर्कल का कहाँ होएगा? बिल्कुल सेंटर में. ये हाफ हो गया ना. इस ये वाला भी हाफ है, ये वाला भी हाफ है. ठीक है? आप किसी भी साइड साइंस के मार्क्स रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है? यहाँ पे कर रही हूँ मैं 1/2. किसके मार्क्स आ रहे हैं? किसके मार्क्स आए हैं? साइंस वाले स्टूडेंट. ठीक है? यहाँ पे लिख दिया मैंने साइंस. यहाँ पे हो गया 1/2 रिप्रेजेंट. ठीक है? देन वी रिप्रेजेंट 1/4. देन वी रिप्रेजेंट 1/4. देखो 1/4 पार्ट कहाँ पे होता है सर्कल का? ऐसे ही होता है ना सर्कल. हमारे पास सर्कल ऐसे होता है. अगर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो ये भी 1/2 पार्ट है, ये भी 1/2 पार्ट है. अगर मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं इसको ऐसे, तो कितने पार्ट्स बन गए? 1 2 3. तो ईच पार्ट का 4 1/4. ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है. ठीक है? अगर मैं इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, इफ आई डिवाइड इनटू 8 पार्ट्स, ये देखो 8 पार्ट्स बन गए. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो ईच पार्ट शोज 1/8. यहां पे भी 1/8 शो होएगा, यहाँ पे भी 1/8, यहाँ पे भी 1/8. सभी जहां जगह आपके पास 1/8 शो होगा. ठीक है? नाउ अभी मैंने यहाँ पे क्या शो करना है? 1/4. 1/4 कैसे शो होगा? मैं इसको ऐसे डिवाइड कर देती हूँ, है ना? ऐसे अगर डिवाइड करेंगे, ठीक है, हो गया ना 4 पार्ट्स में डिवाइड. बट ये वाला तो हमारा पहले फिल हो गया. ये 1/4 पार्ट ही है ना. 1/4 पार्ट ये हो गया. 1/4 पार्ट राइट हियर मार्क्स ऑफ मैथ्स राइट हियर. 1/4 दिस वन इज आल्सो 1/4 पार्ट. यहां पे शो कर दो इंग्लिश. ठीक है? लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस पार्ट ए. ओके? नाउ बी पार्ट. बी पार्ट इज रोहित कंडक्टेड अ सर्वे इन विच ही आस्क्ड 80 चिल्ड्रन अबाउट द काइंड ऑफ स्टोरी बुक्स दे लाइक्ड. 80 चिल्ड्रन पे सर्वे किया है उसने कि बच्चे कौन सी स्टोरी बुक्स लाइक करते हैं. द डाटा इज गिवन बिलो. फाइंड द फ्रैक्शंस एंड फिल इन द सर्कल ग्राफ.
आपने फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है एंड देन यू हैव टू फिल इन द सर्कल ग्राफ. नाउ फर्स्ट इज काइंड ऑफ द स्टोरी बुक्स. फर्स्ट इज एडवेंचर, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लाइक दैट आर 10, एंड मिस्ट्री बुक्स लाइक्ड 40 स्टूडेंट्स, हॉरर बुक्स लाइक्ड 20 स्टूडेंट्स एंड मॉरल बेस्ड लाइक्ड 10 स्टूडेंट्स. नाउ यू हैव टू राइट फर्स्टली हेयर फ्रैक्शंस. आपने हर एक की फ्रैक्शन राइट करनी है. ठीक है. नाउ एडवेंचर बुक्स, फर्स्टली राइट द फ्रैक्शन फॉर दिस 10 बाय हाउ मेनी टोटल आर, कितने पे सर्वे हुआ है 80 पे. ठीक है, जा इनको टोटल कर लो तब भी मिल सकता है, बट 80 स्टेटमेंट में भी गिवन है. 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80, सो 10 अपॉन 80. नाउ कटिंग इट 1 बाय 8. ठीक है, देन एडवेंचर की फ्रैक्शन क्या आ गई 1 अपॉन 8. देन वी गेट द फ्रैक्शन फॉर मिस्ट्री. मिस्ट्री की फ्रैक्शन हाउ वी गेट 40 अपॉन 80. 40 राइट 40 हियर, 80 टोटल ऑन अ डिनोमिनेटर. कटिंग 4 1 4, 4 2 8, वी गेट 1 अपॉन 2. देन 20 अपॉन 80, 0 कट विथ 0, 2 1 2, 2 4 8, 1 अपॉन 4. सेम टेबल पे कट करना है. ठीक है. नाउ 10 अपॉन 80, 0 कट विथ 0, वी गेट 1 अपॉन 8 फ्रैक्शन. ठीक है. नाउ वी रिप्रेजेंट दीज फ्रैक्शन इन अ सर्कल ग्राफ हियर. ठीक है. नाउ फर्स्टली वी विल शो हाफ पार्ट. पहले आप हाफ पार्ट ही शो करोगे हर एक. ठीक है, क्योंकि 1 बाय पहले हाफ पार्ट होता है, फिर 4 पार्ट होते हैं, देन 3 पार्ट्स हो सकते हैं, देन 4 पार्ट्स हो सकते हैं, 5 पार्ट्स हो सकते हैं. आपने इसी अकॉर्डिंग चलना है. पहले आप कौन सा पार्ट शो करोगे, 1 बाय 2. ठीक है, 1 बाय 2 पार्ट कहाँ पे आ गया, कि सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है. हेयर विल शो 1 बाय 2 पार्ट फॉर विच मिस्ट्री, राइट हेयर मिस्ट्री. ठीक है, देन वी शो 1 बाय 4th पार्ट. 1 बाय 4th पार्ट कैसे होएगा, कि सर्कल को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, यहाँ पे हो गया 1 बाय 4th पार्ट शो. 1 बाय 4th पार्ट इज फॉर हॉरर, सो यू विल राइट हेयर हॉरर. ठीक है, देन वी विल शो 1 बाय 8. 1 बाय 8 कैसे होएगा, देखो जब हम इसको 1 बाय 8 कहाँ पे शो होएगा, यहाँ पे शो होएगा, क्योंकि जब हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ऐसे करके. ठीक है, ये देखो 8 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये किसमें हो गया 8 पार्ट्स में. 1 बाय 4th में ये 2, 1 बाय 8, 1 बाय 8 बन गई है. ये भी 1 बाय 8, ये भी 1 बाय 8, 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 1 बाय 8. Here we show here. ठीक है, 1 बाय 8. Here भी 1 बाय 8. यहाँ पे भी 1 बाय 8. Now 1 बाय 8 we have adventure, right here adventure. And right here second 1 बाय 8 is moral based. Right here moral based. ठीक है, so this is a answer for B part. Okay. Now C part is, here is our C part. 120 students of class 2 were asked to name their favorite color. Favorite color पूछा है 120 students को. The data collected to show in the table. Data यहाँ पे show हुआ है. Find the fraction for each of the favorite color. You have to find the fraction here and represent this data in the form of circle graph. यहाँ पे इसको आपने represent करना है. Firstly you have to given favorite color, then you have to given number of students. यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करोगे 15 अपॉन क्या राइट करोगे 120, फिर उसको कट करोगे, देन यू गेट द फ्रैक्शन. ऐसी 60 का करना है, ऐसी 30 का, ऐसी 15 का, फिर उसको किस पे कर देना है, इस पे रिप्रेजेंट सर्कल पे. ठीक है, सर्कल ग्राफ पे सेम एज इट इज एज वी डन इन ए पार्ट एंड बी पार्ट. ठीक है, डू दिस सम योरसेल्फ. ओके, दिस इज ऑल अबाउट अवर एक्सरसाइज 13.2. ओके.